नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। फ्रेंड्स, जब भी एक दंपत्ति प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और उन्हें बच्चा लेने में दिक्कत आ रही होती है, ऐसे में पुरुषों की बीज की जाँच, वीर्य की जाँच, जिसे हम सीमेन की जाँच भी कहते हैं, वो कराना बहुत ज़रूरी है। निसंतानता के लगभग 40-50% केसेस में पुरुषों में दिक्कत पाई जाती है, पुरुषों के सीमेन में कुछ ना कुछ खराबी होती है। ऐसे में सीमेन की जांच, वीर्य की जांच सही तरीके से की जाए, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका रिपोर्ट सही आए और आपका जो फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर इलाज है, वो सही तरीके से हो सके। इसलिए वीर्य जांच देने के पहले, आपका सीमेन सैंपल देने के पहले, आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि आपका रिपोर्ट्स सही आए और जल्दी से जल्दी इलाज के बाद आप माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकें। तो कुछ सावधानियां हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, आपका 3 से 7 दिन का गैप होना चाहिए, मतलब 3 से 7 दिन के बीच में किसी भी तरीके का आपका जो वीर्य का स्खलन है नहीं होना चाहिए, यानी हस्बैंड वाइफ साथ ना रहें, रिलेशनशिप ना बनाएं, या किसी तरीके का मास्टरबेशन ना किया जाए, तभी टेस्ट किया जाए। यह ड्यूरेशन अगर 2 दिन से पहले या 2 दिन से कम की होगी या 7 दिन से ज़्यादा की होगी, तो जो आपके रिपोर्ट्स है, मे बी कि वो सही नहीं आए, आपके जो सीमेन का काउंट है, वो स्पर्म का काउंट है, वो चेंज हो सकता है। इसलिए एब्स्टिनेंस मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है सीमेन का सैंपल देने के पहले। दूसरा, टेस्ट कराने के 2 से 5 दिन के पहले से कोशिश करें कि किसी तरीके की शराब का सेवन, चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन ना करें। इस दौरान अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तब भी आपके सीमेन पे इफ़ेक्ट आता है। इसलिए जब भी आप सीमेन टेस्ट कराने वाले हैं, सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लीजिए, ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, रिलैक्स करें, तब जाके अगर आप टेस्ट देते हो तो जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा सही आता है, ज़्यादा सटीक आता है, और इन सारे पैरामीटर्स का आपके सीमेन पे, शुक्राणु के काउंट पे असर नहीं होता है। तो एक पॉइंट फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बात पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जब भी सीमेन टेस्ट कराएं, अच्छे लैब से कराएं, सही टाइम पे टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सीमेन सैंपल सपोज अभी दे दिया है और इसकी टेस्टिंग 3-4 घंटे के बाद की जाए, तो जो रिपोर्ट्स आते हैं वो गलत आएंगे। आपका जो स्पर्म है 4 घंटे के बाद डेड हो जाता है, जो मोटिलिटी है वो स्पर्म की ख़त्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो लैब होना चाहिए वो एक्सपीरियंस्ड पैथोलॉजिस्ट और एक अच्छा लैब होना चाहिए, जहाँ पे आप अपना सीमेन सैंपल दो, आपके रिपोर्ट सही आने के लिए, क्योंकि आपके सीमेन के रिपोर्ट पे ही आपका फर्दर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होगा कि मे बी आपने प्रॉब्लम है और लैब ने नॉर्मल रिपोर्ट दे दी, तो ऑब्वियसली आपका जो पार्ट है नेग्लेक्ट हो जाएगा, सिर्फ आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट होता रहेगा और फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। इसलिए सही सीमेन का सैंपल का टेस्ट करना, सही तरीके से टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जो वीर्य का सैंपल दिया जाता है, आप जिस हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करा रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई इंतज़ाम होता है, कोई रूम कलेक्शन के लिए अलग से प्रोवाइडेड होता है, आप वहाँ पे अपना सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो एक क्लीन डब्बा आप जिस कंसर्न लैब में टेस्ट कराने वाले हो, वहाँ से एक सैंपल कलेक्शन के लिए एक जार आप अपने घर में लेके जाएं, वहाँ सैंपल कलेक्ट करें, और उसके बाद जो सैंपल को आपको 1 घंटे के अंदर आपके लैब तक पहुँचा देना है, एक चीज़। दूसरी की टेम्परेचर जो होना चाहिए, जो तापमान सैंपल का है, वो नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडे में एसी कार में लेके आना है, या बहुत ज़्यादा अगर बाहर गर्मी है तब भी उस चीज़ को अवॉइड करना है। तापमान जो है नॉर्मल होना चाहिए और 1 घंटे के अंदर आपको लैब में आपके सीमेन सैंपल को पहुँचा देना है। हमेशा लैब में जब भी आप जो कंटेनर में अपना सैंपल लेके आए हो, उसमें अपना नाम लिखना, अपना जो एज है और अपने डिटेल्स लिखना नहीं भूले। कई बार सैंपल मिक्स हो जाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब डब्बा आप लेके जाते हो सैंपल कलेक्शन के लिए, उसमें उसकी प्रॉपर नेमिंग करें। जब भी आप सैंपल कलेक्ट करें, तो किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट या कॉन्डोम का इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी जो शुक्राणु होता है उसकी गतिशीलता पे असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि बिना किसी लुब्रिकेंट के और कॉन्डोम के ही आपको सैंपल कलेक्ट करना है।
अगर आपको सैंपल कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर्स कुछ ऐसे मेडिकेशंस देते हैं जिससे कि आपको सैंपल कलेक्शन करने में आसानी होगी। तो कोई भी अगर आपको सैंपल कलेक्शन के दौरान प्रॉब्लम आती है तो आपके एंड्रोलॉजिस्ट को या आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो भी आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे आपको मिलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके पहले अपने हाथों की और प्राइवेट पार्ट की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। आपके सीमेन में किसी तरीके का बाहर का कॉन्टामिनेशन नहीं होता है। जब भी आप कलेक्ट करें तो किसी और जार में नहीं, जो अपने कंसर्न लैब में जहाँ आप टेस्टिंग करने वाले हैं वहाँ से आप सैंपल कलेक्शन के लिए जार लें। इससे कि आपकी जो कंटामिनेशन होता है उसके चांसेस मिनिमम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जिसे फॉलो करके अगर आप सीमेन सैंपल देते हैं तो आपके जो सैंपल के रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा सही आएंगे, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा सही हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीमेन सैंपल का जो रिपोर्ट आया उसे कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।